दोस्तों ठंड के टाइम पे नॉनवेज तो चलता ही है और अंडे अंडे तो घर में पड़े ही होते हैं। तो दोस्तों आपने बिरयानी तो बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार अंडे के स्पेशल भाजी पुलाव बनाकर देखना। मैंने इसमें ध्यान दिया है कि अंडा भी एकदम परफेक्टली पका हो। आप देख सकते हो कहीं से भी ग्रीन या ज्यादा ओवर कुक नहीं है अंडा, ये बिल्कुल येलो परफेक्ट सा है, एकदम नरम सा। और इसमें मैंने भाजी का फ्लेवर भी एकदम सिंपल सा रखा है। दोस्तों आप इसको बना कर देखना, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब मैंने कोशिश करी है कि इस रेसिपी में आपका टाइम एकदम परफेक्ट बैठे, ताकि ज्यादा मेहनत ना हो और ज्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि एक बड़ा सा भगोना लेना है, उसमें पानी डालना है और उसे पानी को उबलने के लिए छोड़ना है। मुझे कई बारी मेरे दोस्त कहते हैं कि भरत भाई पानी उबालना भी नहीं आता हमें, तो दोस्तों पानी उबालने के लिए यही करना होता है। बस भगोने में पानी डालना होता है और गैस पे चढ़ाना होता है। खैर, जैसे ही ये गर्म हो जाए पानी, आप एक स्ट्रेनर से अंडे को ड्रॉप करना बिल्कुल आराम से। ध्यान से करना क्योंकि अंडे क्रैक होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों अंडे को परफेक्टली बॉयल करने का तरीका यही होता है और इससे ही सच में बेस्ट रिजल्ट आता है। बस अंडे ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और एक उबाला आने तक इसको छोड़ देना। और जब तक उबाला आ रहा है तब तक हम यहाँ पर चावल जो है उनको धो लेते हैं। मैंने यहाँ पर चार लोगों के हिसाब से लगभग 400 to 500 ग्राम चावल लिए हैं। कप्स में देखा जाए तो लगभग 2 कप के आसपास होंगे। मैंने यहाँ पर लॉन्ग ग्रेन राइस लिया है और पका चावल लिया है, यानी कि बिरयानी राइस ली है। तभी मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से 2-3 बारी धोया है, सारा मांड निकाला है और फिर इनको भीगने के लिए छोड़ा है। क्योंकि ये पका चावल है तो इसको लॉन्ग ग्रेन बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए अंदर तक आप इसको भीगने के लिए छोड़ देना मिनिमम 15 मिनट के लिए। अगर आधे घंटे हो तो और भी बढ़िया है। जितनी देर में आप चावलों को धोगे उतनी देर में अच्छे से उबाला भी आ जाएगा हमारे जो अंडे का भगोना है। तो फटाफट से अब इसकी गैस बंद कर देना, ढक्कन फटाफट से लगा देना। जी हाँ, अब आपको गैस बंद करके इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल गैस बंद करके, लेकिन ढक्कन लगा होना चाहिए। जब तक एक तरफ आपके अंडे पक रहे हैं और दूसरी तरफ चावल भीग रहे हैं, तब तक हम भाजी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने दोस्तों सिंपल चीजें लिए हैं, 3 टमाटर, 1 प्याज, आलू, गाजर, मिर्च, शिमला मिर्च भी ली है, बाद में डाली थी वो। आप चाहो तो मटर भी ले सकते हो। करना सिर्फ ये है, भाजी बनानी है तो प्याज को आप फाइनली चॉप कर देना। आलू जो है उनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, ध्यान रहे कच्चा आलू है ये, उबला हुआ आलू नहीं है। तो फिर इसको हमें अच्छे से गलाना पड़ेगा भाजी बनाने के लिए। तो आप थोड़े छोटे पीसेस में काटोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, कुकिंग जल्दी होगी। बड़े बड़े पीसेस में काटोगे तो टाइम लगेगा ना ऑब्वियसली। गाजर को भी मैंने चॉप कर लिया है और टमाटरों को भी एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। अगर आपने नोटिस करा हो कि टमाटर मैंने ज़्यादा रखे हैं, जानबूझ के ज़्यादा रखे हैं दोस्तों। खट्टा खट्टा फ्लेवर लाना बहुत ज़रूरी है इसमें प्याज के साथ। हाँ, अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हो तो आप हरी मिर्च ज़रूर डालना। मैं वैसे आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं डालने नहीं वाला क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मिर्ची खा नहीं पाते। मैं सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। खैर, मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च भी ली है, लगभग आधी शिमला मिर्च, और उसको भी एकदम फाइनली चॉप कर लिया। तो ये है सारी सब्जियों की प्रिपरेशन। 10 मिनट में सारी चॉपिंग भी हो जाएगी और अब 10 मिनट में अंडे भी तैयार हो जाएंगे। तो आप फटाफट से इनको ड्रेन कर लेना, गरम गरम है अभी अंडे, इनको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि अंडों को ड्रेन करने के बाद, यानी कि गर्म गर्म पानी से निकालने के बाद, अब इनको फटाफट से ठंडे पानी में रखना। ठंडे पानी में डालने से एक शॉक लगेगा जिसकी वजह से एक मेम्ब्रेन जो होती है एल्ब्यूमिन के बीच में, यानी कि एग वाइट के बीच में, वो आराम से निकल जाएगी, जिससे कि आपको अंडा छिलने में आसानी होगी। ठंडे पानी में रख दिया था और अब फटाफट से चावल भी पका लेते हैं। दोस्तों इस रेसिपी को मैंने थोड़ा सा बिरयानी की तरह बनाया है, यानी कि चावल को 100% नहीं पकाना, 80-90% पकाना है। तो आप यहाँ पर पानी को उबलने के लिए छोड़ देना। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर नमक डाला है और जैसे ही पानी बॉयल होने लग जाए फिर ही आप यहाँ पर चावल डालना। चावल डालने के बाद यहाँ पर ढक्कन नहीं लगाना गलती से, नहीं तो सारा जो पानी है वो बाहर निकलने लग जाएगा जैसे ही बॉयल आएगा। ढक्कन मत लगाना, आप चावलों को डालकर बस छोड़ देना और ज़्यादा स्टर मत करना। ना ज़्यादा आप स्टर करोगे उतने चावल के टूटने के चांसेस हो जाएंगे। बस 5 मिनट में ही अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाएगा और लगभग 7 मिनट्स में राइस एकदम ऊपर आ जाएगी। अब ये देखो आगे ना एकदम वाइट वाइट हो गए ना। और अगर मैं इसको निकाल कर देखूँ तो आप ये देखो, आप थोड़ा सा चावल खा कर देखना, आपको हल्का सा कच्चा कच्चा फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100% पकाओ, हल्का सा कच्चा कच्चा, लगभग 80-90%।
इससे होगा ये कि जब हम इसको बाद में भाजी के साथ डालेंगे ना, तो चावल पूरी तरीके से पक भी जाएंगे और भाजी का जो कुछ फ्लेवर है ना, वो तो थोड़ा चावल के अंदर भी आ जाएगा। फटाफट से आप इसको स्ट्रेन कर लेना और अंडे भी तब तक हमारे ठंडे हो चुके होंगे। वाह, ये तो राइम करने लग गया। दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से उबाला है और अंडे अगर आपके फ्रेश हैं, तो आप ये देखो एग शेल कितनी आसानी से निकल जाता है ना, एकदम परफेक्टली बॉइल्ड अंडा है ना। आपको बस इसको तोड़ना है, ध्यान रहे तोड़ना अच्छे से सारी तरफ, और अगर अंडा फ्रेश होगा और सही से पका होगा तो ये एग शेल जो है ना वो चिपकता बिल्कुल भी नहीं है, अंडा एकदम क्लीन निकल के आता है। अच्छा, मैं ये रेसिपी चार लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे 8 के 8 अंडे सारे एकदम परफेक्ट निकल कर आए हैं। वो इसलिए क्योंकि बॉयल सही से किया है ना। टेक्निक है दोस्तों, बाद में एंड में जब आपको काट के दिखाऊंगा ना, तो आप खुद ही देखना कि कहीं से भी ओवर बॉयल्ड नहीं है। अच्छा, अंडे के अंदर तक फ्लेवर लाने के लिए फटाफट से आप एक फोक से ऐसे छेद कर लेना उनमें, और मसाला क्या डालना है, मसाला बेसिकली हमने हल्दी पाउडर डालना है, कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, ध्यान रहे तेज वाली लाल मिर्च मत डाल देना, और मैंने यहाँ पर डाला है पाव भाजी मसाला। सारा फ्लेवर ही दोस्तों इसका है, और यहाँ पर जब हम अंडे को भुनेंगे ना, तो ये मसाला एकदम अंडे के ऊपर चिपक जाएगा और सच में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। आप यहाँ पर मसाले को अच्छे से मिला देना और सीधा ही अब कुकिंग करना शुरू करते हैं। भैया सारी इतनी मेहनत करिए, फटाफट से अब खाना बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंडों को पका लेते हैं। पैन में आप थोड़ा सा तेल डालना और थोड़ा सा मक्खन डालना, फ्लेवर के लिए, बस खुशबू और फ्लेवर के लिए, दैट्स इट। जैसे ही गर्म हो जाए आपने यहाँ पर अंडों को ड्रॉप करना है और अंडों को अच्छे से पकाना है ब्राउन होने तक, बिल्कुल जैसे हम एग करी में नहीं करते, बिल्कुल वैसे ही करना है। अच्छा, आप नोटिस करना जो ऑयल है उसके अंदर भी फ्लेवर आ जाएगा उन मसालों का, है ना, उसका कलर पूरा चेंज हो गया है ना। और दूसरी बात जो आपने ध्यान देनी है कि अंडों की सारी तरफ अच्छे से पकी होनी चाहिए, वेल कुक्ड होनी चाहिए। और बस जैसे ही आप उस स्टेज पे आ जाओ, आप प्लेट में निकाल देना, और हाँ, ये सारा फ्लेवर मत छोड़ देना जो पैन में लगा हुआ है, इसको भी निकाल देना, मक्खन और तेल जो भी है इसको छोड़ना बिल्कुल भी मत गलती से भी। नेक्स्ट, अब अंडे तो हो गए, फटाफट से भाजी बना लेते हैं। तो भाजी के लिए भी वही प्रोसेस, थोड़ा सा तेल, उसके साथ साथ फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए बटर, और सबसे पहले आपने यहाँ पर जीरा डालना। जैसे ही जीरा पॉप होने लग जाए आप यहाँ पर प्याज डाल देना। अच्छा, यहाँ पर आलू की टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी, ध्यान से प्याज को ज्यादा ब्राउन नहीं करना, जैसे ही माइल्ड सा कलर आ जाए, बिल्कुल माइल्ड सा कलर, देखो पिंकिश से या पर्पलिश से प्याज एकदम ट्रांसलूसेंट से होने लग गए, है ना, वाइटिश से होते जा रहे हैं, तो जैसे ही स्टेज पर आ जाए आप यहाँ पर आलू डाल देना फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर आलू कच्चे हैं, आलू की भुनाई होना बहुत जरूरी है, तभी तो गलेंगे सही से, है ना। 2-3 मिनट आपने पकाना है आलूओं को और प्याज को, और फिर आप यहाँ पर कैप्सिकम और गाजर, ये दोनों यहाँ पर डाल देना, ताकि ये भी थोड़े भुन जाए और अच्छा फ्लेवर निकल कर आए। दोस्तों, भुना हुआ फ्लेवर हमेशा अच्छा आता है, हमेशा रोस्टेड जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा फ्लेवर्स लेकर आते हैं। अगर आप ढंग से नहीं पकाओगे तो फिर वो फ्लेवर ही नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे कि भरत भाई मज़ा नहीं आया। तो इसको जल्दी पकाने के लिए और थोड़ी सी स्टीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ढक्कन लगा दिया है, ताकि सब्जियों से जब मॉइस्चर निकले उससे स्टीम बने और सब्जियां थोड़ी सी गलनी भी शुरू हो जाए रोस्ट होने के साथ साथ। बस दोस्तों, इस स्टेज पर आप यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाल देना, भर कर डालना, लगभग 1 टेबलस्पून तो डालना ही पड़ेगा, तभी भाजी में स्वाद आएगा। उसके साथ साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप यहाँ पर डाल देना 2 टीस्पून तक। और जब हम इसको भुनेंगे ना इस मसाले को इन सब्जियों के साथ, तो सच में इसका रंग बहुत निकल कर आएगा, और ये भुनाई सच में बहुत फर्क करती है। अगर आप वैसे ही मिर्च डाल दोगे तो कभी कलर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा भुनने के बाद कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इस टाइम पर आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना। अगर आप इस रेसिपी में फ्रेश अदरक लहसुन मिर्च, तो वो भी आप इसी टाइम पर डालना, और हाँ, टमाटर भी डाल देना। बस थोड़ा सा मिलाने के बाद, आपको तो पता ही है कि टमाटर आ गए हैं तो नमक तो 100% डालना है। बस नमक डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिलाना, थोड़ा सा पानी डालना, और अब इसको भुनने के लिए छोड़ देना, यानी कि टमाटर अच्छे से गले होने चाहिए, और ये पानी डालने से आलू भी गल जाएंगे, सब्जियां भी गल जाएंगी, और एकदम बढ़िया भाजी निकल कर आएगी। बस ढक्कन लगाना और इसको छोड़ देना मीडियम फ्लेम पर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, और 3 से 4 मिनट बाद आप खुद ही देखो हल्का सा इससे ऑयल सेपरेट होने लग गया है और आलू क्या गल गए हैं, एक्चुअल में सच में गल गए हैं आलू, सीरियसली। इस स्टेज तक आते आते आलू आराम से गल जाएंगे, आप चेक कर लेना। बस अब एक पाव भाजी मैशर से सारी भाजी को अच्छे से मैश कर लेना, ताकि वो जुड़ जाए और पूरी एक हो जाए। और बस अब फटाफट से इस रेसिपी को ख़त्म करते हैं।
मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट यानी कि कसूरी मेथी बिल्कुल मत भूलना, पाव भाजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेवरी नोट्स को बढ़ाने के लिए। अब देखो मैंने हल्की सी लिक्विड ही रखी है ना, बेसिकली चावल के लिए रखी है ताकि चावल जो 80% है वो 100% तक पक जाए। बस इस भाजी के ऊपर मैंने यहाँ पर 4 अंडे रख दिए हैं, उसके ऊपर अब सारे चावल बिछा देना, सारे के सारे चावल बिछा देना, और इन चावलों के ऊपर थोड़ा सा धनिया लगा देते हैं ताकि फ्रेशनेस आए, और उसके साथ साथ जो बाकी 4 अंडे बचे हैं वो, और हाँ वो जो मक्खन बचा था ना मक्खन और तेल वो मसाले वाला, उसको गलती से मैं छोड़ देना, उसको भी डाल देना इसके ऊपर। और एंड में लास्ट चीज़ जो है वो खुशबू के लिए मैंने यहाँ पर पाव भाजी मसाला डाला है थोड़ा सा। दोस्तों वैसे चिंता मत करना, ये कच्चा नहीं रहेगा, पाव भाजी वाला मसाला हमेशा रोस्ट करके भुना जाता है तभी उससे खुशबू निकल कर आती है, तो ये कच्चा बिल्कुल नहीं लगने वाला आपको। हल्का सा स्प्रिंकल कर देना, दैट्स इट। इसको ढक्कन लगाकर आप इसको एकदम लो फ्लेम पर छोड़ देना लगभग 5-7 मिनट के लिए, बिल्कुल इसको रेस्ट करने देना, और 5-7 मिनट बाद आपकी एग भाजी पुलाव बनके पूरी तैयार है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। आप बस नीचे देख लेना कि तले पे पानी तो नहीं है ना, हल्की सी सूखी होनी चाहिए नीचे से, और भाजी अपने आप ही चावलों के साथ आराम से मिल जाएगी। दोस्तों इसमें बस आपने थोड़ा सा नींबू डालना है ऊपर से, और सीरियसली अमेजिंग टेस्ट आता है। अगर आपको एग बिरयानी पसंद है ना तो आपको बहुत पसंद आएगी, और आप देख ही सकते हो कि अंडा एकदम परफेक्टली पका है, येलो है, ग्रीन नहीं है इसका योग, अब वही तो बेस्ट पार्ट है दोस्तों। क्रीमी सा अंडा, बढ़िया सी भाजी और चावल, मज़ा ही आ जाए। आप इसको बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।